हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। इसके पहले हम लोग योजना और हरित क्रांति पढ़ चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर आपसे पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक कौन थे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए, इनके ही अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना पूछ ले कब की गई थी? तो 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी और ये जो है तीन चरणों में हुआ। तीनों चरणों की अगर हम बात करें अलग अलग, तो पहले चरण की बात, पहला चरण 1970 में शुरू हुआ और 10 वर्षों तक यानी 1980 तक चला। इस चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए बटर ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि इसको किसने वित्त पोषित किया था, विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ ने। दूसरा चरण जो चला वह 1981 से 1985 तक यानी 5 वर्ष चला। इस चरण के दौरान दूध केंद्रों की संख्या भारत में 18 से बढ़कर 136 हो गई और इसके अलावा दूध कई ज़्यादा नगरों में जो है बाज़ारों में उपलब्ध होने लगा। तीसरा चरण 1985 से शुरू हुआ, 1985 से लेकर 1996 तक चला। इस चरण ने डेयरी सहकारी समितियों को विस्तार करने में सक्षम बनाया और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इसने दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया। अब बात करें ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति के उद्देश्यों की, तो इसका उद्देश्य पहला था दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। इस क्रांति ने डेयरी किसानों को अपने स्वयं के हाथों बनाए गए संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद की और दूध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत विश्व में दूध उत्पादन में नंबर वन पे पहुंच गया। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। विश्व के कुल दूध उत्पादन का लगभग 22% उत्पादन भारत करता है। तो आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन है, पहले पे है भारत और दूसरे पर USA अमेरिका। दूध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उसको भी एक बार हम लोग देख देते हैं। पहला जो याद रखना है आपको, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या कहाँ पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है जो हम लोग देख ही चुके हैं कि दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो हम लोगों ने देखा श्वेत क्रांति किसे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति चाहे ऑपरेशन फ्लड,
आपसे पूछे दुग्ध उत्पादन संबंधित है। हरित क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण क्रांति यहाँ देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीली क्रांति किसे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। एक देखिए यहाँ पे है रजत क्रांति और एक है रजत रेशा क्रांति। रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन से है, जबकि रजत रेशा क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से, यहाँ भी गोल्डन क्रांति जो है फल उत्पादन से है, जबकि स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन से है। भूरी क्रांति या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से भी झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई है। भी पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।